उपाय का जो बिल्कुल ही बेकार कर रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या इसलिए मोदी की स्पीड इतनी आगे चल रही है कि कोई भी उन्हें पीछे नहीं कर पाएगा। ये सब बेकार की पार्टी है जी। अच्छा। हाँ, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से टक्कर नहीं ले पाएगी। अब वो तो मेरी मजबूरी थी। हाँ। सभी लोग देते थे, हम भी देते थे। नहीं आ रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। इस वक्त जो सरकार है वो किसकी सरकार है? मोदी की। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है, हर चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। गड्डी पहुंचा दो। हाँ, गड्डी नहीं, अरे रुको तो। हाँ, उन्हें अभी आना है, बेकार है, काम काम कर रहे हैं जी, तो पैसे की बर्बादी है। स्किल भी है और जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है जी। अब गठबंधन हो सकता है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, वैसे रोकना मुश्किल दिख रहा है। और फिर तो ऊपर वाले के हाथ में है, रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। भाजपा की सरकार कैसी चल रही है आपके? भाजपा की सरकार गुड चल रही, वेरी गुड चल रही है, बढ़िया चल रही है सरकार। अभी तक आप समाजवादी पार्टी और मायावती को आप चुनते थे जी, नहीं बेहतर तो है, कमजोर तो कोई भी पार्टी नहीं है। और जो अपना पार्टी आपने जो अच्छा लगता है वो करती है पार्टी, लेकिन मोदी की सरकार बड़ी सही चल रही है और योगी की भी सरकार सही चल रही है। अगर इन्होंने दोनों ने गठबंधन करा तो बेशक जीत जाएंगे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शकील कुरैशी कहते हैं और नए शहर में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत आगे निकल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी, पहले लोग जो डरते थे, जो मरते थे, जो उलझन खाते थे, आज वो नहीं, डर खौफ निकल चुका भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के प्रति, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये पार्टी है समाजवादी है या बसपा है, ये कुछ भी नहीं कर पाई, आज बहुत आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी। अगर एकजुट हो जाते हैं तो अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ताकत में आ गए हैं आज। अच्छा। आज बहुत ताकत में आ गए थे, पीछे लाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जी जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है? पहले तो सबका विकास सबका साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ऐसा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप फोन करिए, पुलिस ही पुलिस यहाँ होगी। और सरकारों में ऐसा नहीं होता, हमारा आदमी बैठ जाओ तुम्हारा आदमी छोड़ दो। बीजेपी सरकार में एक ऐसा शासन चला रही है, जाने के बाद पब्लिक याद रखेगी कि कोई सरकार आई थी। पहले तो हम चाहते थे जाए नहीं, और ये चली भी गई क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर जाती है तो ये लोग याद रखेंगे 20 साल की सरकार कोई थी। मोदी जो भी करते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए नहीं अच्छा लगता हर आदमी को हर बात। मेरा होटल है, मैं 10 सब्जियां बनाता हूँ, 200 ग्राहक आते हैं, किसी को कलेजी पसंद है, किसी को भेजा पसंद है, किसी को पाया पसंद है, जरूरी थोड़ी सारे आइटम सभी को पसंद हूँ। हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग चाल, तो ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी को हर आदमी को मोदी जी अच्छे लगे या योगी जी, हमें दोनों लोग पसंद हैं। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ना अभी दंगा ना फसाद, होली इतनी शांति से है, हमने 58 साल की उम्र में आज तक ना देखी ना सुनी, ना कोई घटना, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, आराम से आदमी ने रंग खेला, जिसके आया डाला मजे में, जिसके आया नहीं डाला, जिससे पूछा, जिसने कहा डाल दीजिए उसने डाल दिया, नहीं तो जयराम जी की। तो जी कितनी बड़ी बात है भाई, छोटी बात है जी, इतनी सरकारें आती, हमने तो देखा है सरकारें आई हो गई, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, कहीं मारे जा रहे, कहीं कत्ल हो रहे, कहीं टकरा जा रहे, उन्हें कौन है, उन्हें फला साहब, उन्हें कौन है जी, कमाल हो गया साहब। होली में जरा सी भी घटना पूरे प्रदेश में नहीं जी, छोटी बात कहेंगे आप बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन में जरा सी भी कोई घटना नहीं पूरे प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान की तो नहीं प्रदेश की हमें जानकारी है, तो कोई घटना नहीं होती तो इसको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे कि खराब, बताइए आप। जी बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत नूरा कुश्ती है, गठबंधन कुछ नहीं है। अच्छा बताइए मेरी बात एक, आप लोग मुलायम सिंह नेता हैं, नेता रहेंगे, लेकिन अखिलेश साहब 5 साल सरकार नहीं है, सड़कों पे आए, इटावा आए, कहाँ आ रहे? अरे भाई सरकार नहीं है, लोगों से संपर्क करो, वोटर कोई सीधा नहीं है, वोटर बहुत टेढ़ा है। तो ये बताइए जी, 2019 के लोकसभा में जी ये
एकजुट हो जाए तो बीजेपी को परास्त कर सकते? बीजेपी बहुत ताकत में है भाई अमित भाई, बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई, झंडा पीछे लिए रह जाएंगे, विश्वास करो मेरी बात का। ये तो कहीं यहाँ दाएं बाएं नहीं, जैसे हाथी एक निकलता है तो तमाम पैर में जुड़ जाए, टांग नहीं उठा पाएंगे, ये ताकत है आज। तो राज्यसभा में मायावती को पहुंचाने के लिए गठबंधन कर रही है? जी जी जी, ये तो ये है, तू मेरी ले, अब ऐसा है ना, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे खुले अल्फाजों में, अब समझदार हैं आप लोग, पत्रकार लोग हैं जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये मोदी साहब इतना आगे बढ़ गए, अब पीछे लगना बड़ा मुश्किल है। 100% बीजेपी 2019 में भी जीतेगी, ऐलानिया कह रहा हूँ मैं, ऐलानिया कह रहा हूँ, उन्हें मेरी बोटी बोटी करा देना अगर बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है समझ रहे हैं। तो दिखा रहे 2% में ऊपर नीचे लंबा हो जाता जी, तो 8-10% का फर्क है। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके गठबंधन से इनको फायदा मिलेगा? 100%। अच्छा हाँ, तो फायदा किस तरह से मिलेगा? फायदा इस तरह से मिलेगा, कांग्रेस हाथ पैर डाल गई, उसका कुछ वजूद ही नहीं है। बहन जी और जी सपा जी मिलके अपने आधी आधी कर लें, 10-12 सीटें कांग्रेस को दे दें, आ जाओ दो से तो बेहतर है, जो 8-10 मिल रही आने वाले टाइम में। तो इनका गठबंधन 2019 में भाजपा को रोक लेगा? अब जी तो ईश्वर ही जान सकता है, कोशिश करना हमारा काम है। तजुर्बा हमारा जी कहता है कि दलित और मुस्लिम और यादव और पंडित मिलकर रुक तो जाएगा ही, 100% इनकी छटनी हो जाएगी जी। एका सुपू का नया छोड़ देती है कि तब हिंदू भाई एक हो जाए, नया ऐसा कोई फार्मूला ला के रख देती है कि तब हिंदू भाई एकदम एक साथ हो जाता है। हाई कास्ट ले हो, लो कास्ट ले हो, बैकवर्ड हिंदू ले हो, हरजन ले हो, वो सब कमल का फूल दिखता होता है। ऐसा कोई नया फार्मूला दिखा देती है जो मुसलमान की मिर्चें लग जाती वो तब एक हो जाता है, कहानी तो ये है। अच्छा मायावती धोखेबाज कर रहे हैं? अरे भाई धोखेबाज आपको, मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, राष्ट्रपति हमारा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो हमारा, तो होएगा तो वो जो हम चाहेंगे। लालू हमारा जेल में डला है कि क्या दिख नहीं रही जनता, अंधी है क्या? तो इस गठबंधन का भविष्य कैसा देखते हो? बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, कोई मसला नहीं। अगर बीजेपी को रोकना है तो बहन जी का और सपा का सपोर्ट करना है, कांग्रेस को भी आना चाहिए। कांग्रेस तो अपने आप आ जाएगी, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो बस उसकी सांसें चल रही हैं, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, उसकी सांसें चल रही हैं, इनके साथ उसको ऑटोमेटिक आना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। 2019 में बीजेपी खत्म? खत्म तो नहीं कह सकते भाई, पूर्ण बहुमत में है, खत्म कैसे कहते हैं, संभव बात करो। फर्क पड़ेगा अगर 19 में सरकार बीजेपी की बनती है तो इन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा, और गठजोड़ में इनके अंदर ही अभी आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं जो इनको डराएंगे इनके घर में, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हुए, यशवंत सिन्हा हुए, आप इन्हें क्या समझ रहे, आने वाले टाइम में जो पैजामे के नारे तक में घुस जाएंगे जी, दिक्कतें पहुँचाएंगे अगर 10 सीटें भी कम हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप जी, इंशाल्लाह दोनों सपा के खाते में, अगर वोटों में वो हेरा फेरी न हुई मशीनों में, बैलेट पेपर से हुआ तो सपा के खाते में। ये दोनों तो एक हो गए, वोटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सपा और बसपा?